आपने बहुत तरह के बीमारियां देखी होगी और उनके नाम सुने होंगे, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें इंसान के जीभ पर बाल उग जाते हैं। तो यह कैसे होता है और इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह बेहद अजीबोगरीब बीमारी है। इसमें इंसान की जीभ पर बाल उगाते हैं और फिर उनका रंग हरा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमेरिका के ओहायो में। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ऐसा हर पैकेट पर लिखा होता है, लेकिन इसके बाद भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। लेकिन अब सिगरेट की वजह से जो बीमारी होने लगी है वो आपको डरा देगी। दरअसल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने से आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसमें आपकी जीभ पूरी तरह से हरी हो जाएगी। ये बेहद अजीबोगरीब बीमारी है। इसमें इंसान की जीभ पर बाल उगाते हैं और फिर उनका रंग हरा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमेरिका के ओहायो में। यहां एक व्यक्ति के जीभ पर पहले खुजली होना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उस पर बाल उगने लगे और फिर पूरी जीभ का रंग हरा हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा ज्यादा सिगरेट पीने से हुआ है। हालांकि अभी तक ऐसी भयानक बीमारी भारत के किसी हिस्से में देखने को नहीं मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये किसी को भी हो सकती है, इसलिए जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं वो सावधान हो जाएं। एक तरफ जहां कुछ डॉक्टर इस बीमारी की वजह ढेर सारी सिगरेट को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इस इंसान ने कुछ दिनों पहले अपने मसूड़ों में हो रहे इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स लिया था। अब ऐसे में इस बीमारी की वजह इस दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला है जिससे इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक को जिम्मेदार ठहराया जा सके। हालांकि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ढेर सारे तंबाकू के सेवन की वजह से हुआ है। तो अगर आप भी ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाए और इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ साझा जरूर करें ताकि उन्हें भी इस खतरनाक बीमारी के बारे में पता चल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।